नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही है। कोरोना वायरस के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का क्या रुख है, इस पर देश की दिशा और दिशा तय होंगी। ऐसे में इस बार यह बजट कई मायनों में अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश कर रही है। कोरोना वायरस और किसान आंदोलन के बीच आ रहे बजट पर पूरे देश की नजर है। कोरोना वायरस के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर देश की और दिशा जरूर तय होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो देश में हालत और बुरे होते। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में अब आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि देश में दो वैक्सीन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, वही दो और नई वैक्सीन जल्द आई। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में अब आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि देश में दो वैक्सीन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, वही दो वैक्सीन नई वैक्सीन जल्द ही आ सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हेल्थ सेक्टर में ज्यादा जोर दे रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बचाव, इलाज और अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। यह विचारधारा प्राचीन भारत से चली आ रही है और यह हर भारतीय का विचार है। उन्होंने कहा कि इसके तहत गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और सबका एक साथ विकास की ओर कदम बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाएगा।